हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिलीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आज मैं आप लोगों के साथ मेरे भाई की वेडिंग वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये जो है हल्दी सेरेमनी चल रहा है, जिसमें कहते हैं कि 5 मैरिड लेडीज़ बैठ के इस तरह से चौक उतारते हैं। ये हल्दी से लगे हुए चावल है। चौक रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर स्टूल छोटा सा रख के दूल्हे का वेट हो रहा है। यहाँ मेरी बेटी बैठी है। ये हल्दी है जिसमें चिकसा मिक्स किया गया है, और वो चंदन है, शक्कर रखा है और फूलों का हार है। दूल्हा आ चुका है, अब उसे जो है ये रस्में कर रही है ये लेडीज़ लोग जो है। ये मेरी मुमानी है, उन्होंने पहले उसे हार फूल वगैरह पहनाया, उसके बाद हल्दी वगैरह लगाया। मेरी बेटी भी खिला रही है उसके मामू को, और पीछे जो है उनकी बहन खड़ी है सर पे दुपट्टा रख के उनके, और बस उनको हल्दी लगाया जाता है दोनों को भी। और वो क्या कहते हैं, पैसों से उनकी बेल उतार करके रखा जाता है थाले में, कहते हैं कि उससे नज़र नहीं लगती है। और सेम प्रोसेस जितनी भी लेडीज़ है 5 वो कंटिन्यू करती है। ये उनकी मम्मी है, मेरी खाला, और जो ये पैसे है बेल के 1-2 रुपये ही रखते, कोई कोई 10 रुपये रखते। ये जो है गरीब जो होते हैं उनको दे दिए जाते हैं, ये हम लोग नहीं रखते। ज़्यादा धूमधाम से शादी नहीं किए थे इन्होंने, बहुत ही सिंपल तरीके से किए थे। और ये जो छोटा मोटा फंक्शन कर रहे थे, बस हम लोग को घर में लग नहीं रहा था कि शादी का माहौल है, जस्ट फॉर इंजॉइंग हम लोग घर में जो भी थे, घर के ही लोग है ये, कोई भी बाहर का नहीं है इसमें, तो बस हम कर रहे थे। ओके, दूल्हे का रस्म हो गया है। ये जो मेरी सिस्टर है इसकी अभी तक शादी हुई नहीं है, तो कहते हैं कि जिस पे से दूल्हा या दुल्हन उठते हैं उसी पे अगर कुंवारे लड़के या लड़की बैठते हैं तो उनकी शादी जल्दी होती है, ऐसा कहना है। पता नहीं सही है या गलत है, आई डोंट नो, बस बड़े लोग कहते हैं तो करते हैं हम लोग। तो इसकी रस्म इसका जैसे ही हुआ वैसे इसने धड़ाधड़ धनाधन सबको हल्दी लगाना शुरू कर दिया था। हर किसी को इसने हल्दी लगाया है। बस इतना ही, थोड़ा एक ही दिन हम लोगों ने थोड़ा सा इन्जॉय किया। हल्दी लगाने के बाद सब लोग अपनी हल्दी छुड़ाने में बिजी हो गए। ओके, तो हल्दी का सेरेमनी ख़त्म हो चुका है, सेकेंड डे है ये। अब हम दुल्हन का सामान जो है बरी कहते हैं जिसे, उसे लेकर के दुल्हन के घर जाने वाले हैं। तो दूल्हे वालों की तरफ से सारा सामान है, उनके मम्मी डैडी और कुछ घर के लोगों के लिए भी कपड़े हैं। ये उनका बुर्का है ब्लैक एंड ग्रे कलर में, और हाँ ये सारी पैकिंग मैंने की है, मेरे भाई बहन ने मेरी हेल्प की है। ये जो ड्रेस है ये वो रिसेप्शन में पहने थे, इसलिए थोड़ा ज़्यादा उसको हम लोगों ने डेकोरेट किया है। और ये जो है पर्स सैंडल, ये सभी चीज़ें उन्होंने रिसेप्शन में पहने थे। ये सबको, इन सभी को हम लोगों ने एक एक बोलते हैं ना चीज़ें लगा के ज्वाइन करके हमने डेकोरेट किया है। ये ड्राई फ्रूट्स है, ये गोल्ड की पेंडेंट और इयररिंग है गोल्ड का, ये ब्रेसलेट है, ये कुछ रिंग्स उनको मिली है, और वो भाई की है सिल्वर कलर की। ये वाला जो वीडियो है हमने घर में लिया था, जब दुल्हन के हम गए थे उसमें से 1-2 चीज़ें हमने रख दिए थे क्योंकि भाई तभी नहीं देना चाहते थे। ओके, तो अब हम उन दुल्हन के घर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर उन वॉचेस हम रखना भूल गए थे उसमें, इसलिए इसमें वॉच है, मिठाई के डब्बे हैं, हल्दी मेहंदी रखा हुआ है, हार रखा हुआ है फूलों का, और सेम जैसे भाई को रखा था चिक साइज में, बस मेहंदी है, भाई को हमने मेहंदी नहीं रखी थी।
और ये मेरी भाभी है जो खड़े है भी सामने पिंक में, और ये इनकी मम्मा है और उनकी फैमिली है। तो जो रसम मैंने स्टार्ट किया था भाभी का, मैं भाई का नहीं कर पाई थी बट मैंने भाभी का किया था, मुझे कुछ आता नहीं था। जो साइड में जो खड़े हैं ना मेरे मुमानी है, वो भी उन्होंने मुझे सारा कुछ बताया। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी उनको ये सब करने के लिए, मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी। तो मैंने पहले तो हार फूल वगैरह लगा दिया था उन्हें, मतलब पहना दिया था। उसके बाद में वही सेम हल्दी सॉरी मिठाई खिलाया था उनको मैंने। और ये जो सेट है ना, ये भी मैंने ही मंगवाया था क्योंकि मुझे चाहिए था कि वो ऐसे कुछ पहने। और फिर उनको वही बस मिठाई खिलाया, हल्दी लगाया और वही बेल उतारे जैसे सेम भाई को किया था, और सेम प्रोसेस जितनी हमारे साथ में लेडीज़ आई थी सब ने किया। फाइनली मेहंदी सेरेमनी स्टार्ट हो गया है, सेकंड डे है ये। ये मेरे हाथों में मेहंदी लग रही है, मैंने एक हाथ से वीडियो लिया है, एक हाथों में मेरे मेहंदी लग रही है। ये मेरी सिस्टर का हाथ है, उसे भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाए थे उन्होंने। हम सब ने उस दिन बहुत दिल खोल के बहुत सारी अच्छी सी मेहंदी लगाए थे। ये मेरा हाथ है, यहाँ घर वाले बैठे हैं वो मेरे डैडी है, और जिसके हाथ में बेबी है वो मेरे जीजू है। ये मेरी प्रिंसेस है, मेरी बेटी, ये मेरी बहन की बेटी है, हमारी प्रिंसेस। और देखिए दूसरे दिन हमारे जो मेहंदी है उसमें कलर कितना अच्छा आया था। शादी वाला दिन है, सुबह में बैठ के सब टाइम पास कर रहे थे तो सोचा मेहंदी का कलर ही दिखा दूँ आप सबको। हम सभी के हाथों में बहुत ही प्यारे कलर आए थे, देखिए। ओके फाइनली वेडिंग डे हैज़ कम। ये है मेरे भाई, फ़ोटोशूट हो रहा है इनका, और अब हम निकल चुके हैं शादी के लिए। इतना हमको लेट हो गया था कि मैं ज़्यादा कोई वीडियो नहीं ले पाई, निके का भी मैं वीडियो नहीं ले पाई, बट जितना थोड़ा बहुत हो सका मैंने वीडियो ले लिया। तो हम लोग पहुँच चुके हैं, अभी तक दुल्हन आई नहीं है। यहाँ पर आकिफा ने इतना सताया ना कि मुझे वीडियो लेने का बराबर से मौका ही नहीं मिला। मतलब वो इतना भाग जा रही थी, खुला हॉल था ना तो उसको पकड़ पकड़ के लाना पड़ रहा था बार बार, क्योंकि मुझे बाय करके चली गई थी वो, तो उसके पीछे मेरी सिस्टर भागी थी उसे पकड़ने। और ये हमारी भाभी आ चुकी है, हमारी दुल्हन। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी हमारी भाभी। एक्चुअली इतनी फेमस नहीं हूँ इसलिए बराबर से वीडियो नहीं ले पाई, जब फेमस हो जाऊंगी तब बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक ज़रूर लाऊंगी। मैंने फ़ोटोज़ डाल दिए थोड़े बहुत क्योंकि मैं वीडियो नहीं ले पाई बराबर से इसलिए। ओके सो फाइनली हम खाना खाने बैठ गए हैं। खाना भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बहुत अच्छा था। बाजू में आंटी बैठे थे इसलिए मुझे वीडियो लेने थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने खाने का भी प्रॉपर वीडियो नहीं लिया।
ये फैमिली फ़ोटो है उनकी, जिसमें सब लोग हैं भाई बहन। फाइनली विदाई का टाइम हो गया है, जिसे मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, बहुत थोड़ा सा किया है शूट, क्योंकि बहुत इमोशनल मोमेंट होता है वो। ओके सो फाइनली दुल्हन जो है घर पे आ चुकी है, और दुल्हा दुल्हन को मेरी बहन ने अंदर आने नहीं दिया, दुपट्टे से रोक लिया है। सब बोल रहे थे कि नेक मांगो, इसलिए बेचारी भीख मांग रही थी मेरे भाई से कि कुछ दे दो। तो हमारी भाभी ने बहुत ही प्यारी सी उसको एक रिंग दी। ओके सो फाइनली रिसेप्शन का दिन आ चुका है, जिसमें मैंने सोचा था मैं बहुत सारी वीडियो लूँगी, बट मैं कोई वीडियो नहीं ले पाई, सिर्फ फ़ोटोज़ लिए हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरे मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, और वो ग्रीन में मेरी खाला बैठे हैं। मैं, मेरी बेटी, कोई वीडियो नहीं ले पाई, सिर्फ फ़ोटो लिए हैं मैंने, वो भी थोड़े से फ़ोटो लिए हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।